आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में, जो फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है, जो अक्सर रेलवे के विभागीय परीक्षा, रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम, जो एसएम, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी इत्यादि में पूछा करता है। तो इससे पहले, अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रेलटे को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। तो चलिए ये देखते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये सभी क्वेश्चन सेंट्रल रेलवे के जीएनएसआर से संबंधित है, यानी अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है किसी और जोन में अलग है तो ये हो सकता है, क्योंकि यह पूरा क्वेश्चन सेंट्रल रेलवे के जीएनएसआर पर आधारित है, इसलिए और अलग जोन के एसडब्ल्यू जीएनएसआर में अलग आंसर भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड विथ द ज्वाइंट सिग्नेचर ऑफ COM एंड डैश। यहाँ पर डैश यानी खाली जगह भराएगा CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर, यानी वर्किंग टाइम टेबल जो है वह COM यानी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर और CPTM यानी चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर दोनों के द्वारा ज्वाइंट सिग्नेचर से इशू किया जाता है यानी जारी किया जाता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में होगा CPTM। थर्ड हो गया, देयर आर डैश चैप्टर्स इन द बुक ऑफ GNSR। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा 18 चैप्टर्स यानी GNSR की किताब में 18 अध्याय होते हैं, 18 चैप्टर होता है GNSR में। थर्ड है, देयर आर डैश चैप्टर्स इन द एक्सीडेंट मैनुअल। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स पर 8 चैप्टर्स यानी एक्सीडेंट मैनुअल जो किताब है उसमें के 8 अध्याय है, 8 चैप्टर है एक्सीडेंट मैनुअल बुक में। फोर है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द इंजन एंड ब्रेक वैन ऑफ ए पैसेंजर ट्रेन एट द स्टार्टिंग स्टेशन शैल बी 5.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डैश। तो यहाँ पर होगा डैश की जगह पर 4.8 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है जो पैसेंजर ट्रेन होता है उस पैसेंजर ट्रेन के इंजन में स्टार्टिंग स्टेशन पर एयर प्रेशर होता है 5.5 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, और वहीं ब्रेक वैन में होता है 4.8 kg पर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में होगा 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइव है, डैश mm ऑफ फ्लैट टायर इज परमिटेड इन द लोकोमोटिव ऑफ ए गुड्स ट्रेन, यानी यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स में 50 mm यानी गुड्स ट्रेन के लोकोमोटिव में इंजन में 50 mm का फ्लैट टायर परमिटेड है यानी अलाउ है, यानी कोई गुड्स ट्रेन का जो लोकोमोटिव है, इंजन है, उसमें अगर 50 mm का फ्लैट टायर है तो उसे अलाउ किया जाता है चलने के लिए। तो यहाँ पर 50 mm फिलअप किया जाएगा। सिक्स है, गार्ड सेल शो हैंड बाय डे एंड डैश बाय नाइट टू द एसएम इफ द ट्रेन इज स्टैंडिंग क्लियर ऑफ फॉलिंग मार्क, यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पर होगा व्हाइट लाइट, यानी गार्ड दिन के अगर समय है तो हाथ है, और अगर रात के समय है तो व्हाइट लाइट यानी सफ़ेद बत्ती दिखलाएगा स्टेशन मास्टर को अगर वह ट्रेन फॉलिंग मार्क क्लियर करके खड़ी है। अगर कोई ट्रेन फॉलिंग मार्क क्लियर करके खड़ी है तो स्टेशन मास्टर महोदय, अगर दिन का समय है, गार्ड महोदय स्टेशन मास्टर महोदय को दिन का अगर समय है तो हाथ दिखलाएंगे, वहीं अगर रात का समय है तो सफ़ेद बत्ती यानी व्हाइट लाइट दिखलाएंगे, तो समझ जाएंगे स्टेशन मास्टर महोदय कि ट्रेन फॉलिंग मार्क क्लियर करके खड़ी है, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान पर यहाँ भरा जाएगा व्हाइट लाइट।
सेवन है, क्वेश्चन इंडिकेटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द स्पीड इंडिकेटर ऑन ए प्लेन लेवल। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा 770 मीटर, यानी अगर प्लेन लेवल है तो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड को स्पीड इंडिकेटर बोर्ड से 770 मीटर यानी 770 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। क्योंकि प्लेन लेवल में कॉशन इंडिकेटर बोर्ड को जहाँ से कॉशन है वहाँ से 800 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और स्पीड इंडिकेटर बोर्ड को 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसलिए स्पीड इंडिकेटर बोर्ड से कॉशन इंडिकेटर बोर्ड के बीच की दूरी प्लेन लेवल में 770 मीटर होगा। वहीं अगर घाट सेक्शन रहता तो 1170 मीटर होता। एट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए क्लास ओडीसी डैश के एमपीएच, यहाँ पर होगा नॉर्मल, यानी अगर ए क्लास ओडीसी है तो उस ए क्लास ओडीसी का अधिकतम स्पीड नॉर्मल होता है, यानी जो सेक्शनल स्पीड है उसी स्पीड से चलता है ए क्लास ओडीसी। नाइन है, ट्रेन इंटरिंग इनटू सैंडम इज ए डैश टाइप ऑफ एक्सीडेंट, यहाँ पर होगा इंडिकेटिव टाइप, यानी अगर ट्रेन किसी भी कारण से सैंडम में चला जाता है तो वह एक इंडिकेटिव टाइप एक्सीडेंट यानी सांकेतिक दुर्घटना माना जाएगा, यानी ट्रेन को सैंडम में प्रवेश करना एक सांकेतिक दुर्घटना माना जाता है, यानी इंडिकेटिव टाइप ऑफ एक्सीडेंट माना जाता है। टेन है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इज डिटरमाइंड बाय डैश, यहाँ पर होगा सी आर एस, यानी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है निर्धारण किया जाता है वह सी आर एस के द्वारा, यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का निर्धारण किया जाता है। इलेवन है, कॉशन बोर्ड इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द स्टॉप बोर्ड, यानी कॉशन बोर्ड इज प्लेस्ड, यहाँ पर होगा 1170 मीटर, यानी कॉशन बोर्ड जो है स्टॉप बोर्ड से 1170 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। क्योंकि कॉशन बोर्ड जहाँ ट्रेन रुकना है उससे 1170 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 12 है, इफ ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड इन ऑटोमेटिक सेक्शन सिग्नल इज ट्रीटेड एज, यहाँ पर होगा मैनुअली ऑपरेटेड, अगर ऑटोमेटिक सेक्शन में ए मार्कर बोर्ड बुझ गया है नहीं जल रहा है तो उस ऑटोमेटिक सेक्शन में उस सिग्नल को जिसका ए मार्कर बुझ गया है उसे मैनुअली ऑपरेटेड यानी हस्तचलित सिग्नल माना जाता है। 13 है, साउंड ऑफ टू हूटर्स मीन्स डैश, तो यहाँ पर भरा जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ ए आर टी एट होम स्टेशन, यानी अगर दो हूटर बजाया जाता है तो इसका मतलब है कि होम स्टेशन पर ए आर टी की ज़रूरत है, ए आर टी उसी होम स्टेशन पर ए आर टी की आवश्यकता है। 14 है, ब्लॉक ओवरलैप इन एम ए यू क्यू सिग्नलिंग सिस्टम इज डैश, यहाँ पर होगा 180 मीटर, यानी एम ए यू की यू क्यू यानी मल्टी एस्पेक्ट अपर क्वाड्रेंट सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप कितना होता है तो वह है 180 मीटर। 15 है, इंफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इज प्रोवाइडेड इन डैश, यहाँ पर होगा WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल, यानी परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन यानी अस्थाई गति प्रबंध की सूचना कहाँ रहता है दिया हुआ तो वह है वर्किंग टाइम टेबल, यानी कार्यकारिणी समय सारणी जो होता है उसी में परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में सूचना दिया हुआ रहता है। 16 है,
इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड सेल शो डैश बाय डे, तो यहाँ पर होगा रेड बोलते हैं ग्रीन फ्लैग अप एंड डाउन, यानी अगर दिन के समय अगर ट्रेन पार्टिंग होता है तो उस स्थिति में गार्ड महोदय क्या दिखलाएंगे, तो वह हरी झंडी ऊपर नीचे वर्टिकली अप एंड डाउन करते हुए, यानी ऊपर और नीचे हरी झंडी हिलाते हुए दिखलाएंगे। अगर दिन के समय ट्रेन पार्टिंग होगा तो गार्ड महोदय हरी झंडी को ऊपर नीचे करते हुए दिखाएंगे। 17 है, इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग गार्ड शैल शो डैश बाय नाइट, यहाँ होगा व्हाइट लाइट, यानी अगर रात में अगर ट्रेन पार्टिंग हो जाता है तो गार्ड महोदय व्हाइट लाइट यानी सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे करते हुए अप एंड डाउन वर्टिकली रूप से सफ़ेद बत्ती को दिखलाएंगे। 18 है, इन केस ऑफ ट्रेन डिवाइडिंग हैंड ब्रेक्स ऑफ डैश वैगन्स ऑफ द रिमेनिंग लोड आर पिन डाउन, यहाँ होगा 10 वैगन्स और 50% ऑफ रिमेनिंग लोड्स, यानी अगर ट्रेन डिवाइडिंग हो जाता है तो जो लोड बच गया उस लोड का हैंड ब्रेक कम से कम 10 वैगन को लगाया जाना चाहिए, या 50% यानी जितना लोड बचा है उसको आधा लोड को जो भी अधिक हो, या तो 50% या 10 वैगन, दोनों में से जो भी अधिक है उसी को पालन करना चाहिए। या तो 10 वैगन में हैंड ब्रेक लगाना चाहिए ट्रेन डिवाइडिंग के समय, या आधा से आधा लोड को जो भी अधिक है उसी का पालन करना चाहिए। 19 है, लोको पायलट सेल साउंड डैश व्हिस्टल हाइल पासिंग द IBS एट ऑन आफ्टर बीइंग ऑथराइज्ड बाय द SM इन रियर, यहाँ पर होगा छोटी जिसे चश्मा सिटी कहते हैं, यानी लोको पायलट लॉन्ग शॉर्ट व्हिस्टल जब IBS को ऑन में पास करना है, यानी IBS सिग्नल खराब हो गया है और पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा ऑथराइज किया जाता है कि आप IBS सिग्नल को ऑन में यानी लाल में पास करके आगे बढ़े, तो ऐसी स्थिति में लोको पायलट महोदय द्वारा एक शॉर्ट व्हिस्टल पहले बजाया जाएगा, उसके बाद IBS सिग्नल को लाल में पास करके जाएंगे। 20 है, फर्स्ट डिटोनेटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन इन नैरो गेज, यहाँ होगा 400 मीटर, यानी अगर नैरो गेज की स्थिति में ऑब्स्ट्रक्शन है कोई अवरोध है तो प्रोटेक्शन के लिए पहला पटाखा 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, यानी नैरो गेज में अगर कोई बाधा है तो प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट डिटोनेटर जो है पहला पटाखा वह 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। 21 है, बिफोर डिमांडिंग असिस्टिंग इंजन ट्रेन इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैश, यहाँ होगा डैश की जगह बोथ साइड से, यानी बिफोर डिमांडिंग असिस्टिंग इंजन यानी सहायक इंजन मांगने से पहले ट्रेन को सुरक्षा किया जाता है, तो दोनों तरफ से यानी बोथ साइड से, यानी अभी असिस्टिंग इंजन की मांग नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेन जो है बीच सेक्शन में है पड़ा हुआ उसको दोनों तरफ से प्रोटेक्शन किया जाता है, यानी दोनों तरफ से पटाखा लगाया जाएगा। 22 है, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग ACF ऑन डबल लाइन इज डैश, यहाँ डैश की जगह होगा 25/10, यानी अगर ड्यूरिंग ACF यानी ऑल कम्युनिकेशन फेलियर हो गया है डबल लाइन वाले सेक्शन में, तो जो फर्स्ट ट्रेन जाएगी उसका स्पीड क्या होगा, तो वह अगर फर्स्ट ट्रेन जा रहा है डबल लाइन वाले सेक्शन में अगर पूर्ण संचार भंग हो गया है तो
उसका स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो वैसी स्थिति में स्पीड होगा 10 KMPH यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं अगर सुरंग वगैरह है तो, अगर कर्फ है, सुरंग है, तो ऐसी स्थिति में पैदल चाल से भी जा सकते हैं। 23 है, ड्यूरिंग ACFA यानी ऑल कम्युनिकेशन फेलियर ऑन सिंगल लाइन TB602 TB602 इज इशू टू लोको पायलट टू डैश, यह होगा टू ओपन कम्युनिकेशन, यानी सिंगल लाइन में अगर ऑल कम्युनिकेशन फेलियर हो जाता है तो TB602 दिया जाता है लोको पायलट को किस लिए, यानी TB602 इशू किया जाता है लोको पायलट को किस लिए, सिंगल लाइन में पूर्ण संचार भंग होने की स्थिति में, तो वह दिया जाता है कम्युनिकेशन खोलने के लिए, यानी संचार खोलने के लिए, यानी जो लोको पायलट जो जाता है संचार खोलने, उसे TB602 जारी किया जाता है। 24 है, ड्यूरिंग सेंटिंग इम्पैक्ट स्पीड ऑफ 5 बॉक्स वैगन इज डैश, यह होगा 2 KMPH यानी 5 बॉक्स वैगन वाले का सेंटिंग इम्पैक्ट यानी सेंटिंग का जो इम्पैक्ट स्पीड है, आघात गति, वह अगर 5 बॉक्स वैगन का है तो वैसी स्थिति में उसका स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस वीडियो में इतना ही, 24 से आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, पुनः एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।